धार हैं। अफगानिस्तान युद्ध को लेकर सबसे बड़ी फिक्र शांति और अमन बहाली की है, जिसके लिए भारत लंबे समय से फिक्रमंद रहा है और पिछले सालों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में 23,000 करोड़ से ज्यादा निवेश कर चुका है। हालांकि इस वक्त भारत के साथ विश्व के कई देशों की नजर अफगानिस्तान की अस्थिरता पर है। वहां के बिगड़े हालात को लेकर रूस ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें भारत को न्योता नहीं दिया गया। वास्तविक ट्रॉयका नाम की यह मीटिंग 11 अगस्त को कतर की राजधानी दोहा में होगी, उसी दोहा में जहां पर तालिबान का हेड ऑफिस है। इस बैठक में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के शामिल होने की संभावना है। रूस ने अपनी इन कोशिशों के तहत इससे पहले 18 मार्च और 30 अप्रैल को भी बैठकें की थी। इन मीटिंग्स में भी रूस ने भारत को नहीं बुलाया था। दरअसल भारत रूस संबंधों पर उठे सवालों के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले महीने ताशकंद में कहा कि उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ काम करता रहता है, जो अफगानिस्तान के हालात पर असर डाल सकता है। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस भारत को आगामी विस्तारित ट्रॉयका बैठक में शामिल कर सकता है, लेकिन रूस ने ऐसा किया नहीं। कुल मिलाकर अभी अफगानिस्तान को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग अलग गुटों की अपनी खिचड़ी पक रही है। नए समीकरण बनाने और बिगाड़ने की कवायद चल रही है। एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के अमेरिका जैसे वापस हुआ, अब सबसे बड़ी समस्या दुनिया के सामने है कि अफगानिस्तान में शांति कैसे आए। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन भी परेशान है, रूस भी, और पाकिस्तान तो तालिबानियों का समर्थन कर रहा है। इसके बावजूद रूस ने दोहा में 11 अगस्त को एक बैठक बुलाई है, जिसे विस्तारित ट्रोइका का नाम दिया गया है। उसमें उसने पाकिस्तान, चीन, अमेरिका को बुलाया है, लेकिन भारत को नहीं बुलाया है। इसके पहले 18 मार्च और 20 अप्रैल को जब बैठक हुई थी, तब भी भारत को नहीं बुलाया गया था। स्वाभाविक है कि भारत का हित अफगानिस्तान में है, भारत का स्टेक लगा हुआ है, वहाँ पर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भारत काम कर रहा है। आखिरकार अफगानिस्तान के मसले को लेकर के रूस जो है भारत को क्यों नहीं बुला रहा है, क्यों नहीं शामिल कर रहा है, जबकि आपको याद होगा पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर जब वहाँ गए थे रसिया में, तब भी ये बात हुई थी। उसके बाद विदेश मंत्री वहां के जो है उन्होंने क्या जवाब दिया था और क्या कारण है कि रूस जो है ऐसा कर रहा है, इस पे सुनिए एक रिपोर्ट। भारत रूस संबंधों पर उठे सवालों के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले महीने ताशकंद में कहा कि उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ काम करता रहेगा, जो अफगानिस्तान में स्थिति पर असर डाल सकते हैं। इन टिप्पणियों के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भारत को आगामी विस्तारित ट्रोइका बैठक में शामिल किया जा सकता है। भारत ने अभी विस्तारित ट्रोइका बैठक को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये सवाल उभर रहे हैं कि आखिरकार रूस ने ऐसा क्यों किया। पिछले कई साल से भारत रूस संबंधों की मजबूती पर सवाल उठते रहे। इसी साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच भारत रूस शिखर सम्मेलन प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद शामिल होने वाले थे। Keeping our focus on Afghanistan, now India has not been invited to a key meeting next week convened by the Russia on the fast evolving situation in Afghanistan that is expected to be attended by Pakistan, China and the US. Even as New Delhi sought to downplay its absence, saying it engages with Russia on regular basis on Afghanistan. Now as Taliban continues its major offensive in Afghanistan, Russia has stepped up efforts to reach out to all key stakeholders in the war-torn country to stop violence and push the Afghan peace process. The extended Troika meeting is scheduled to be held in Qatar on August 11. Talks under this framework were earlier taken place on March 18 and April 30. Russia has also been holding the Moscow format of talks to bring peace and creating conditions for the process of national reconciliation in Afghanistan. Now, Ambassador Bora, we've had a similar conversation. Russia is stepping up its efforts. दोस्तों, हैरान कर देने वाली खबर आज रशिया से आ रही है। रशिया ने आखिरकार भारत को इनवाइट नहीं किया है ट्रोइका की मीटिंग को लेकर, जो मीटिंग होने जा रही थी अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते ये मीटिंग होने जा रही है कतर के अंदर, और इस मीटिंग में रशिया ने इनवाइट किया है पाकिस्तान को, अमेरिका को और तो चाइना को। लेकिन भारत जैसा देश जो आज अफगानिस्तान के अंदर 21,000 करोड़ रुपए लगाकर बैठा है, उस देश को इनवाइट आखिरकार रशिया ने क्यों नहीं किया है, और तो और पाकिस्तान को इनवाइट किया है तो बातें समझ में आती है, लेकिन चीन जैसे देश को इनवाइट किया है तो आखिरकार भारत जैसे देश को इग्नोर रशिया कैसे कर सकता है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर आप जानिए कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसके बारे में ऑफिशियल बयान क्या दिया है, और रशिया के विदेश मंत्रालय ने क्या बयान दिया है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ये जब पत्रकारों ने पूछा कि भारत को ट्रोइका की मीटिंग का इन्विटेशन क्यों नहीं मिला है, जबकि भारत के विदेश मंत्री लगातार रूस के दौरे पर गए थे, ऐसा लग रहा था कि भारत को इन्विटेशन मिलेगा, लेकिन इन्विटेशन क्यों नहीं मिला है, तो रशिया के इस सवाल के ऊपर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि हम पहले से ही रशिया के साथ अफगानिस्तान के इशू को लेकर संपर्क में हैं, और ये ट्रोइका की मीटिंग को लेकर उन्होंने ऐसी बातें नहीं बोली हैं जिस बातों में वो कह सकें कि नहीं बुलाया है।